हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल सर्विस कर्णर आज आम डिस्कस कर गोटे नुआ क्वेश्चन को लेकिन बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन जो मैंने पॉलिटिक्स सहित एसोसिएट अच्छा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सहित स्पेसिफिकली तांको ते बहुत ही इम्पोर्टांट टॉपिक आमर जो टॉपिक यपिक्हें कौटू डिस्कस कर भिजन आयस जो विकली फोकस जो आर्टिकल अच्छी विकली फोकस सब विक्रे गोटे आर्टिकल दिए तो सही आम जस्ट ताक आम डिस्कस कर बट कौ डिस्कस डिस्कसा गोटे जो आम जिनस पढ़ुचे व आर्टिकल पढ़ुचे से आर्टिकल टाइम आंगेलोर इम्पोर्टाट ताक आम सब जाना दरकार तो जो टपिक अच्छे कनस्टिट्यूसनाल मरालीटी ताकू क्वेश्चे आम तो ओके तो क्वेश्चन तो तुमको यही टाइप रोश्चे कौटी आसो ना फास्ट बेसिकली मेन मेन एक्जाम आसपे एमती क्वेश्चन पक्का आसपे कौन पाईना आज ए पब्लिक आडमिनिस्ट्रेसन स्टूडेंट कि तुम जो ओएस एस जो तो अप्लाई करो प्रिफरेन्स दौ ओा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो ये कन्स्टिट्यूशनाल मरालीटी आउ आमर पब्लिक मरालीटे तुम उसे नलेज थ दरकार तुम पाखे तो ये आम डिस्कस से करूसनाल मरालीट कब्लिक मरालीटी कौन आउ ह्विच इज बेटर फर रेस्ट्रिक्टिंग द फंडामेटाल रईट डिस्कस करें तो आगु मोर गोटे गेस्ट हो जे আমাৰ এবছা চিভিল চৰ্ভিছ কৰ্ণৰ নাইন থাৰ্টি ফাইভ পাখা পাখি সবসক্ৰাইবৰ অঁ তো মোৰ টাৰ্গেট খোজি কি ওৱান থাউজেণ্ড সবসক্ৰাইবৰ নিউ ইয়ৰ পূৰ্ব আমাৰ হৈ যাব দৰকাৰ য'ৰে মতে কি আমাৰ চিভিল চৰ্ভিস কৰ্ণৰ কু গোটেই ক' মিল গোটেই সপৰ্ট মিলিব ৰেষ্ট কৰোঁ কি এই যি চানেল যু সমসে চেয়াৰ কৰিয়াৰ কলে माने जो मैंने पढ़ुंट एक्जाम एक्जामेसन किटरेस्टेड सिविल सर्विस से जो 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 शेयर कर सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन बढ़ी बढ़ीजी तांकर बेनिफिट भी हेबो जे पढ़ापढ़ी करूची इवन एसएससी सी पाई हो जी एस सिविल सर्विस हो पढ़ापढ़ी से सब रो चेल तांको चेल बहुत इंपोर्टां तेणु पुणी आउ थे मुझे रिक्वेस्ट करेल शेयर सेयार करूँ कि थी सब्सक्रिप्शन बढ़ीबो ताक आमको मोटिट मोटेसन मिल ओके तो एवं आम डिस्कस जो करी फोकस आर्टिकल अच्छी से आम देखा पूरा कम्प्लीटली बहुत बढ़िया से देखे से तो कन्स्टिट्यूसनाल मरालीटे स्टार्ट ह्ट वा, कन्स्टिट्यूशनाल मरालीटू आम जाना वा, इज द बैकग्राउंड ओके तो बैकग्राउंड को देखा तो इंट्रोडक्शन में आम लिखिपर सपोज कन्स्टिट्यूशनाल मरालीट गोटे एसए पड़ी तुम्हें कौन लिखो इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस कर

जुडिये तेणु जुडियी एज इंटरप्रेटर ऑफ़ द कन्टीट्यूसन हाज इफेक्टिवली यूज द प्र कन्टीट्यूसनाल मरालीटी टू ओवरकम एज ओल्ड ल आगु जो बहुत पुराण लगी ओभरकम कर नुआ जजमे सबू के कमि दूँ इंटरप्रिट कर ह्विच निड टू गेट रिफर्म ओथ चे टम एंड डिल्यूसन अफ दोसाइट आगूर जो ओल्ड लाख नहीं तो आम चली पारि तेणु जो रिफर्म दरकार से अनुसार जुडियी कन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिट कर जजमेन्ट दूँच तो द कोर्ट हैज अप्लाइड डिफरेंट फेसेट्स ऑफ दिस प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव डक्ट्रीन इन ए नंबर ऑफ केसेस सम ऑफ ह्विच मे पॉसिबली वि काउंटेड आज द फाइनेस्ट एंड सेमिनाल जजमेन्ट बेस कर बहुत सारा डक्ट्री आम ट्रांसफर्मेटिंग डक्ट्रीन डौ, डौ, बाहर कर सुप्रीम कोर्ट आउ बहुत सारा केसेस रे बेस करट्यूशनाल को बेस जजमेंट भी जोटा कि देखो बहुत ही आमपा बहुत ही मैंने बेनिफिशियाल होम बट কিছু সময়ের কণ হুয়ে না মেনি ক্লেম দ্যাট আপ্লিকেসন অফ দিস ডক্ট্রি অমাউট টু জুডিআল ওভররিচ আমার যে জুড়শিয়ারিজ কাম কম জুডিআল ইন্টরপ্রিটেশন করি বট যেত তার লিমিট বাহারক পড়া তা আমি কম কে জুডিআল ওভররিচ তে ইার আপ্লিকেসন যেত জুডিআল ওভররিচ পা পায় লিমিট ক্রস যায় এন্ড কর বাই পিটিং কনস্টিটিউশনাল মরাটি এগেনস্ট সোসিটাল অর পপুলার মরাটি সো ডক্ট্রি কেম ইন ফর Heavy criticism after the Supreme Court's Sabarimala judgment and became the subject matter of discussion, especially after the Attorney General of India criticized application of constitutional morality doctrine as dangerous weapon. सबरी मेला केस तुम जान जो तांकर राइट तांकर थी तर रिलीजस रईट रिलीजियस रिलीज को स्टेट किपर तक अधिकार अच्छे जो जिन सुप्रीमकोर्ट बेस कर रिफर्म आटचेबिलिटी बोलिक गोटे जो टर्म आणिकी से जो रिफर्म आट्यूसनाल को बेस करसाइज ताकू कर बेस करट्यूशनाल मरालीटी एज ए डेंजरस डेजरीयसिपन बोली किए कटर्णी जनरल कहते

कि मेनी डिफरेंट नोस अन् द सेम तो कन्स्टिट्यूनाल मरालीटी मैंने जानीपुरचे कौन कन्स्टिट्यूशन right को मानवा जो आम तार एलिमेंट जदि देखिए रईट साइड लिखाई देख एलिमेंट अफ कन्स्ट्यूशनाल मरालीट प्रियएल को आम रेस्पेक्ट दवा प्रियम्बल को मानिक चढ़ा रईट टू इक्वालिटी जो अच्छी कन्स्टिट्यूशन ताक मानिक चढ़वा इंडिजुआल लिवर्टी ड्यू प्रोसे अफ ललो कराया फ्रीडम अफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन को आम मानवा रूल अफ् लो अच्छी रूल अफ् ल ड्यू प्रोसे लेस् कर चलेबा एंड सोशल जस्टिस तो सब या बेस कर एलिमेंट अफ कन्स्टिट्यूशनाल मरालीट सो यार माने कौन ना द कोर प्रिंसिपल अफ द कन्स्टिट्यूसन इन ए डेमोक्रेसी ये रूल अफ हो कि ड्यू प्रोसेस हो लजुआल लिबर्टी हो कौन कोर प्रिंसिपल अफ द कन्ट्यूशन अफ डेमोक्रेसी तो मराल दैट इज मोराल अब्लगेसन अफ इंडिविजुअल टू अफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भैल्यू उथ डिग्निटी डिग्निटिदउट एनी कंप्रोमाइज एंड बेईंग फेथफुल्ल टुवर्ड्स इट तो आज ए इंडजुआल आम कन्स्ट्यूशन रो प्रिंसिपल जो अच्छी प्रेम हो कि राइट टू इक्वालिटी हो रूल अफ लो फ्रीडम अफ चईस एंड एक्सप्रेसन होानिक चल रैल्यू ताक भैल्यू करवा एंड आमर डिग्निटी से जो डिग्निट जो टर्म अच्छी आम रेस्पेक्ट करादउट एनी कम्प्रमाइज एंड बेईंग फेथफुल् टूआड्स इट तेणु

কনসিটিট্যুশন যে তারপিট অনস্টিট্যুসন এই জিনিসটা কমপাল লেখা হয়েছে সেটা ইম্পর্ট্যাঁ ইন হুইচ বোথ ইন্ডিভুয়াল অ্যান্ড কলেকটিভ ইন্ট্রেস্ট অফ দ্য সোসাইটি আর্টিসফাইড দিস ডক্ট্রি ইজ স্টিল ইন ইটস নাসেন্ট লেজ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওভর দ্য অফ টাইম আমি জাঁপারি যে যে এইটা কিন্তু সেটা কম ধীরে 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 আমার প্রোগ্রেস হোক আমি আমি বেশি ইভলভ সেই অনুসারে সো ইন রিসেন্ট টাইম দ্য ডক্ট্রি হ্যাজ অফন বিভোভড বাই সুপ্রিমকোর্ট এই ইউটিলাইজ ইন ইন্ডিয়া ফর স্ট্রাইকিং ডাউন ল কুড বি অফ পপুলার এন্ড ইন হ্যাজ নিউ মিনিংস তো ধীরে ধীরে যেতে ইভলভ कम इल्व होना सुप्रीमकोर्ट वेरीयस जजमेन्ट दूसरी जजमेंट को बेस करी से करट्यूशनाल वैल्यू कौन हो तार चेंजेस आसूच तो ताकु बेस मीनिंग इंटरप्रिटेशन भी तार क्रिएट मोरालिटी रो तो ये आम जान ले व्हाट इज कन्स्टिट्यूशनाल मोरालिटी तो एबे आम देखिबा तार बा तार सिग्निफिकेंस कौन तो फास्ट जिनसा इट्स सेफ गार्डस एंड अपहोल्ड द एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री

It points to the idea of propagating the trust of the people on democratic institutions. Moreover, since the concept places an obligation on the part of state authority to conduct themselves in accordance with the constitution, it translates to the people respecting the authority of the state so long as they act within the bound of the constitution and having the constitutionally guaranteed right to vocally call out state authorities for their transgression. So,

एंड हाविंग द कन्स्टिट्यूशनाली ग्यारंटेड रईट टू भोकाली कल आउट स्टेट अथरीट फर द्रांसग्रेसन तापर ब्रिंगिंग आउट ए पॉजिटर ट्रांसफरमेशन इन परसिप्सन अफ सोसाइट और पब्लिक मरालीट तो द प्रिन्सीपुल अफ द कन्स्टिट्यूशनाल कैन क्या यूज फर रिड डाउन लज और स्टाच्यूड हुई आर इनकनसीस्टेन्ट व्यथथ द इनकमबेन्ट टाइम बहुत टाइम जितेबेजेस टाइम धीरे धीरे चेजेस है बहुत सारा रूल को कू इनकसीस्टेन्स कर जो रूल इनकॉन्स्टिट्यूशन उथ रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम ताक ये कौन कर डाउन काटी दूची फॉर इंस्टेंस इन पासिंग ए लॉ प्रोहिबिटिंग सती राइट टू लाइफ एंड डिग्निफाई वाज पासड ऑन द इंडिविजुअल इंडियन विडोज हु आर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी द दारविंगर ऑफ द मिसफोर्च्युन एंड इल लक हाउएवर आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस लॉ देयर हैज बीन ए क्लियर चेंज इन द पब्लिक माइंडसेट व्हिच आल्सो लेड टू

हजबेडर डिमारेज पर कौन कर एजुकेट हो जब भी जब तक बदलते से जब भी करा गोटे बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेन्स प्रमोटिंग डाइवर्सिटी हेल्पिंग टू मेक द सोसाइटी मोर इनक्सीव जो सोसाइटी जो आमर अच्छी को प्रमोट आ जो सोसाइटी मोर इनक्लूसीव कर इनक्लुसीव मान में बहुत इनक्लूजन करट्यूशनाल मोराट स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट फॉर ए वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज गॉट ए হেট্ৰ'জেনিয় পপুলেচন ৱিথ ছ' মেনি ফিউচৰ অব ক্লাছিকেচন কাষ্ট ৰিলিজন কলৰ চেকচু অৰিয়েণ্টেচন লাঙুইজ জেণ্ডৰ এটচেট্ৰা ছিন্স প্লোৰালিট ইজ ৱান অফ দ ক্ৰুচিয়েল ইথৰ্জ অফ দ প্ৰিন্সিপল অফ দ কনষ্টুচচনা মৰালিট ইট ৰেকগনাইজ দিছ ডি ডিষ্টিংচন এণ্ড নন হমোজেনিটি এণ্ড প্ৰমোট ডাইভৰছিটি হেল্পিং টু মেক দোচাইটি ম'ৰ ইনক্লুচিভ ত সোচাইটি সেই ম'ৰ ইনক্লুচ কৰ ত এই পুৰািট কনেপ্ট যি চিন্স পুলাৰিট ইজ ৱান অফ দা ক্ৰুছিয়েল ইথৰ্জ অফ দ প্ৰিন্সপল অফ দ কন্টিটিউচনা মৰালিট ইট ৰেকগনাইজ দিছ ডিষ্টংকন এণ্ড নন হমজিনিট এণ্ড প্ৰমোট ডাইভৰ্চি হেল্পিং টু মেক দা সোচাইট ম'ৰ ইনক্লুচ ত এইটাৰ গোটেই বহুত বঢ়িয়া চিগ্নিফিকাঞ্চ পুনি আমি ফেৰীয়া ক' কণ চিগনিফিকেন্স আমি ডিছকছ কলে দেখিব ফাষ্ট ৰুল অফ ল ইমপ্লিমেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট কৰোঁ চেফগাৰ্ড কৰোঁ তাপেৰে ডেমোক্ৰাটিক আইডিয়ল অফ দা নেচনু প্ৰমোট আফ'ৰ্চ কৰোঁ

एंड एनस्योर दैट गवर्नमेंट्स डू नॉट भोलेट द स्पिरिट सोल और कन्सइनस अफ द कन्टीट्यूसन तो बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रीन कौन बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रीन एमती गोटे एलिमेंट अच्छी से बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रीन मैं गवर्नमेंट चाहिए तार जो जो सेन्स लुआराई कर ल मेकिंग करना डाउन कर बेसिक स्ट्रक्चर को भायोलेट करूसनाल मरालीटी भी सही भागिया गोटे जिनथ

ऑर्ग्स दैट ऑर्गन ऑफ़ द स्टेट टू प्रिजर्व द हेटेरोजेनियस नेचर ऑफ़ द सोसाइटी तो इट बैक द दफिकेसी ऑफ़ द कन्स्टिट्यूसनालीजम इन द ट्रु से तो कन्स्टिट्यूशनालीजम जो अच्छी ताक बहुत ही सपोर्ट ना नहीं तो कन्स्टिट्यूशनालीज इन इंडिया आम ए जाना दरकार तो एनी डेमोक्राटिक कंट्री लाइक इंडिया कन्स्टिट्यूशनालीज इज द म्यनर

फिलोसोफिकल सोल ऑफ़ द कन्स्टिट्यूशन उथ ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू द सोसाइटी प्रोग्रेसिवली एंड इनक्लूसीवली तो सोसाइटी को से प्रोग्रेसिवली ट्रांसफर करुचूसिवली भी ट्रांसफर करुच तस् नट ओनली इनक्लूड द रिकग्नइजेशन अफ प्राइड एंड डिग्निटी अफ़ द इंडिजुआल बट एल्सो प्रोपागेट द फस्टरी एंड डेवलपमेंट अफ आन आटमोसफियर है इन एवरी इंडिजुआल इज बेस्टेड उथ आडिक्वेट अपरचुनिट्स टू डेवलप सोशियली इकोनोमिकली एंड पॉलिटिकली थ

So concept of basic structure is mostly used to nullify the constitutional amendment which goes against the fundamental spirit of the constitution. Constitutional morality on other hand emerged as the alternative jurisprudential concept that call can be used to nullify ordinary legislation to avoid weakening the sanctity of the basic structure concept. তো বেসিক বেসিক স্ট্রকচর কনসেপ্ট তিলা তাকে যেত উইকেনিং করা ট্রায়ে করা সেতবে ব্যাক কি করব কনস্টিট্যুসনাল মরাটি ব্যাক করি না তো ইয়ে আমি দেখলে কম সিগনিফিকা তাপরে বেসিক বেসিক স্ট্রকচর অফ দ্য কনস্টিট্যুসন কনসেপ্ট অফ তো আমি হাউ দা কনসেপ্ট অফ কনস্টিট্যুসনাল ইভলভ कन्स्टिट्यूशनाल मरालीट ईवल्व कमी जाने बेसिक स्ट्रक्चर केवल्व है जाने लक्ष्मीकांत बुक बुक्रे बट कन्ट्यूशनाल मरालीटी केवल्व है किमती है जानि ना तेणु ये आम जाना जर्ज ग्रोटे गोटे कनसेपचुआल डेफिनेसन दे कन्सेप्ट अफ कन्टीट्यूशनाल मरालीट व्वाज प्रोपाउंडेड बै ब्रिट क्लासी नेमड जर्ज ग्रोटे इन नाइनटीन सेंचुरी इन हिज बुक ए हिस्ट्री अफ ग्रीस तो ए हिस्ट्री अफ ग्रीस जो बुक अच्छे नाँ से बुक्रेस कनिट्यूशनाल मरालीट डेफिनेसन तो इट डेस्क्राइब कन्स्टिट्यूशनाल मरालीट आज पारामाउंट पारामाउंट रिफरेन्स अफ द रिफरेन्स फर दि फर्मस अफ द कन्स्टिट्यूशन अफ द लैंड तो पारामाउंट मानते बहुत मानते सब बड़ जोटा पारामाउंट रिभरेन्स फर द फर्म्स अफ द कन्स्टिट्यूशन अफ द लैंड तो कन्स्टिट्यूशन रे तो जो पारामाउं रिफरेन्स रोचे कन्स्टिट्यूशनाल मरालीट कौ

तो आम्बेदकर कन्ट्यूशनाल मरालीटी क देखा इंडियान कंटेक्ट द वार्ड कन्स्ट्यूशनाल मरालीटी व्वाज फास्ट प्रपाउंडेड बै बी आर आम्बेदकर इन नवेमर नाइन्टीन फोर्टी एइट इन पार्लियामेंटरी डिबेट व्विथ रेस्पेक्ट टू डिटेल्स अफ आडमिस्ट्रेसन इनकलुडेड इन द ड्राफ्ट कन्स्टिट्यूशन तो बी आर आम्बेदकर फास्ट इंडियान हिसो कनट्यूशनाल मरालीट व्वार्ड को आगो आनी ओके आम्बेदकर ड्रई आमेदकर ड्रई अन् द वार्क अफ ग्रोटे

ফর কনস্টিট্যুসনাল ডেমোক্রা এজ দ্য আসেপ্টেড ফর্ম অফ গভর্ণানডমিনিস্ট্রেসন কনস্টিট্যুসনাল ফর্ম কনস্টিচ্যুনা মরাটি কেন সেই আমার ডিসপ্যারিটি রয়েছে জাতি জাতি ভিতর আমি রোজ তা আনসার কম কনস্টিট্যুস মরাটি সে কনস্টিট্যুশন দিয়েছি যে আমার আমি কাষ্ট সেমি কিছু নাই কাষ্ট মানে কাষ্ট জেণ্ডৰ চেক্স যি অঁ আমাৰ তাকি ডিছপাৰিটি যি ৰ তাৰ ৰেস্পছ হ'ল ক' কনষ্টটিউচনাল মৰালিটি কনষ্টিটিউচন যা কৈছে আমি তাক যদি মানিবা সেই জিনিছ আমাক আ দেখা যাব নাই ত' কনষ্টিটিউচনা ৰেফৰেঞ্চেছ ক'ম কনষ্টিটিউচনাল মৰালি ইজ নট ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন নেভৰলেছ উই ফাইণ্ড মেনচন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড মৰালিট ইন কনজকশন ৱিথ পব্লিক অৰ্ডৰ

दो इट वॉज़ यूजड इन पासिंग रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट इन देशवानंद भारती एंड फास्ट जज केस एके एस पी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सो इट वॉज़ द फास्ट टाइम इन टू थाउजेंड टेन इन नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एन सी टी ऑफ दिल्ली व्हेन द टर्म वाज यूज इन एन आंटीथिकल मैनर टू पॉपुलर एक्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी सो इन दिस फॉर्म ए प्रेसिडेंट वॉज़ सेट फॉर द कॉर्ट टू डिगार्ड सोशल सोसाइटल

আসিলা কোম্পানা সেই টাইমে কনস্টিট্যুসনাল মরাটি বা কনস্টিট্যুশন কেস করি সেমি কিছু আমার অব্লিগেসন স্টেট উপরে নো এই যদি আমি একজাম্পল গোটে দেখা ইন দিস কেস হাইল ডেলিভরেটিং অপন দ্য ইস্যু অফ ডিক্রি ডিক্রিমিনালাইজেসন অফ হোমোসেকচুয়ালিটি দে এ ক্রিমিনাল অফেন্স অন্ডর সেকশন থ্রি অফ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড দ্য কোট টু কি দ্য কোড টু কি কগনিজান্স অফ আইডিয়াল অফ হোল্ড দ্য কনস্টিট্যুস প্রিন্সিপুল রাদর দ্যান সোসাইটিজ পরসিপসন

আমার কনস্টিট্যুশনাল নর্ম ভ্যালু যে সল কনসাইন স্পিরট যে কনস্টিট্যুশন তা মেন্টে করবার বা ইভালুয়েট করি হেল্প করুছে তো আপ ক্যাণ্ডমার্ক জজমেন্ট যে আমার আমার এই যে হুইচ সেপ্ট দা কন্টেম্পোরারি ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ডক্ট্রি দেখ নবতেজ সিং অফ ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড कौन है ना प्रोटेक्शन अफ द रईट ऑफ एल जीबीटिक्यू कम्युनिटी द अपेक्स कर्ट पास द जजमेंट हुई इज पार्शियाली स्ट्रक डाउन सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवेन अफ आईपीसी हुई मेड द कर्नाल इंटरकोर्स एगेन्स्ट दर्डर अफ नेचर इनक्लूडिंग हमोसेक्सुआलीटी ए क्राइम सो अप्लाइंग द डॉक्टर द जज फाउंड दैट कोर्ट मस्ट नट भी रिमोटली गाइडेड बै मेजोरीटे भ्यू और पपुलेटेन परसेप्सन बट दे म मस्ट भी गाइडेड बै कन्स्टिट्यूशनाल मोराटी

तापर देख जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 तो एरे देखो जेंडर इक्वालिटी को अफहोल्ड करें राइट टू इक्वालिटी को अफहोल्ड करिया पई सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को डाउन कर देले व्हिच मेड एडल्ट्री ए क्राइम फॉर ए मैन टू हैव हाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए मैरिड ओमेन थ्रू दो द मैरिड ओमेन वाज नॉट टू बी पनिश्ड एज आवेटर ত মাৰিড অমেন তাৰ যদি অলগা পাৰ্টনৰ যদি সৈতে যদি চকচুল ইণ্টৰ কোৰ্চ কলা বা সেই যি ৰিলেচনচিপ ৰখিলা ত'লে তাক ক্ৰাইম বুলি মানুহে বট এই চেকচন ফ'ৰ নাইণ্টি চেভেন অপি কণ কৰ ডিক্ৰিমিনালাইজ কৰি দিয়া গ'ল ক'ৰপাই জেণ্ডৰ ইকুৱা বেছ কৰি आ रईट टू को बेस करी मेन को किसी कहू ना बट जेटा कौन अमेन उप आसू था अमेन को क्रिमिनालैज करके हट दिया तेना भी बहुत इम्पोर्टाट जजमेंट तेणु हेयर इट व्वाज नटेड दैट कोर्ट नटेड बै कोर्ट दैट द कन्स्टिट्यूशनाल भाईटी अफ क्रिमिनाल लज सुड नट् भी डिटरमाइंड बै पपुलार पब्लिक मराली हुई इज नट इन कन्सनान्स वि कन्स्ट्यूशनाल मरालीट द आईडिया अफ हजबैंड आज ए मास्टर अफ अमेन और मेन आज ए पजेसन अफ हर स्पाउस व्वाज हेल्ड टू वि कंप्लीटली कंट्रारी टू द स्पिरीट अफ द कन्स्टिट्यूसन फैसेट एंड आइडियाल्स हेअर डक्ट्रीन कम आज काउंटर पॉइज टू पब्लिक मरालीट पब्लिक मरालीट एगेन्टा आ नाइ पब्लिक मरालीट मैंने पब्लिक जोटा कौन पब्लिक मराली कन्स्टिट्यूशनाल मरालीटी मैंने जो कन्स्ट्यूशन कहूँ कन्स्टिट्यूसर स्पिट जो जो कौन इक्वाइट जेंडर इक्वाइट रईट टू ईक्ट ना नाइ the next case Government of NCT of Delhi versus Union of India, then the court called upon to decide as to what power does the Lieutenant Governor of Delhi will in the Indian constitutional scheme. So, in this case court equated constitutional morality to a second basic structure doctrine and it was observed by the Supreme Court that constitutional morality is not just form and procedures of the constitution but provide an enabling framework that allow a society

मस्ट मीन इन कन्स्ट्यूशनाल एंड नट पपुलर मरालीट एंड एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अफ दोश डिस्क्रिमेसन मस्ट भी इवालुएटेड थ्रु द फ्रिजिम अफ द कन्स्टिट्यूशनाल मरालीट सो दिस जजमेंट हाज बीन इंटरप्रिटेड एज द बिगेस्ट ब्लो अन् द पब्लिक मरालीट एंड एल्सो हाज बी क्रिटिटाइज बै रिलिस् प्रफिट एम अदर तो या बहुत सारा क्रिटिसज कर स्टेप को ऑन ह्वाट ग्राउंड हाज द डक्ट्रीन बीन क्रिटाइज इन इंडिया तो कौन আমি তাক ক্ৰিটাইজ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট জিনিছ হ'ল আমি লাখ অফ লিট্ৰেচৰ এণ্ড ক্লাৰিট অন দ্য কনচেপ্ট অফ কনষ্টিটিট্যুচনা মৰািট কনষ্টিটিউচ মৰালিটৰ পূৰা তাৰ লিটৰেচৰ ক'ত তাৰ ক্লাৰিট আমি আমাক জনা নাই সো আ ইজ নো এক্ এক্স এক্সপ্লিচ মেনচন অফ দা টৰ্ম কনষ্টউচনল মৰালিট ইন দনষ্টটিউচন অফ্ফিয়া এণ্ড নো ফিক্স ডেফিনেছ দা বিন্ন আট্ৰুটেড টু ইট ইট হেজ বিন্ন লেফ্ট অন দ ডিছক্ৰিপন অফ দ ইণ্ডিভিজুৱেল জজেছ টু ইণ্টাৰপ্ৰেট দা এচেন্স অফ দিছ ডক্ৰিন এণ্ড আপ্লাই ইন ৰিকুজাইট চিচুচন So this makes it privy to subject, subjective interpretation by individual judges having different perception. For instance, in Sabarimala cases, the majority opinion held the restriction imposed upon women in age group of 10 to 50 years year is against constitutional morality, while one disseminating opinion found that constitutional morality will require that every single individual would have the right to his own faith and nobody can interfere with it.

आर्टिकल डील्स ओथ द पावर ऑफ़ द टॉप कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरीसन एंड पास ऑर्डर इन द स्िट ऑफ़ डूइंग कंप्लीट जस्टिस तो एस ना आर्टिकल 142 फर्ट्टी टू में ना सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस जसीसाइं से जहाँ परिबे ओके तो आर्टिकल 142 से अप्लाई से परिबे तो हिंडर्स द ऑर्गेनिक एंड नेचुरल डेवलपमेंट रेक्टिफिस रेक्टिफिकेशन ऑफ़ रंगस और एथिकल इल्स ऑफ़ सोसाइटी आज इट भेस्ड पावर इन हैंड्स ऑफ़ द कोर्ट इन इंप्लीमेंट ए टॉप डाउन आप्रोच ऑफ़ द आइडियाल्स ऑफ़ द मोराली फ्रंट इट एल्सो इंडाइरेक्टली रिफ्लेक्ट ए लैक अफ् फेथ अन् द ट्रु आइडियाल्स अफ् डेमोक्रासि हुई इज बेस्ड अन् दिजडम अफ़ द पपुलांस दैट इज वि गवर्नान्स आम ए कौन करे पपुलार जो पपुलार मोरालीटी जो पब्लिक मरालीट जो अच्छी पब्लिक मोराट अगेंस्ट जाऊ

তো জুডারি তো আমি ভোট দে তাঁর সে ডিসাইড করুমান তা আমি কমিটি আকসেপ্ট করা এটা গোটে না নাই নাইপরে দিস আক্ট আজ কাউন্টর ফয়েজ টু পব্লিক মরাটি দ্য নসন অফ পব্লিক মরাটি ইজ এসেনশিয়ালি বেস্ট ইন দোসাইটি সোসাইটাল নসন অফ রাইট ওর রং এন্ড নট বেসড অন দ্য কোর প্রিন্সিপল অফ দ্য কনস্টিটিউশন তো পব্লিক মরাটি এর হট হচ্ছে আজ এ রেজল্ট অন সেভে অকেজন দ্য ডিসিশন বেসড অন পব্লিক মরাটি ইজ

করি মানে তা উপরে রহব কাহ উপরে পব্লিক মরাটি উপরে রহব তো পব্লিক মরাটি অর কনস্টিটিউশনাল মরাটি হুইচ ইজ বেটর সুইটেড ফর রেস্ট্রিক্টিং দ্য ফ্ডামেটাল রাইট এবে যাই আমার কোশ্চেন আসা না নাই তো কোটা বেটর তো হোয়াই ইউজিং অসন অফ কনস্টিটিউশনাল মরাটি অভর পব্লিক মরাটি ক্যান বি প্রবলেমেটিক সে সুপ্রিম কোর্ট তো কই কইদেছেন কিন্তু প্রোবলেমি কি না প্রোব্লেপরে তো অন্ডার আর্টিক ওয়ান টু বা টুয়েলভ অফ দ্য কনস্টিটিউশন দা পাৱাৰ টু ইম্প'জ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকচন অন ফণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইজ ভেষ্টেড উইথ লেজিছলেট এণ্ড এক্সিকুটিভ এণ্ড নট উইথ জুডিচিয়াৰী ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিক্সন কি এপ্লাই কৰি পাৰিব লেজিছলেচৰ কৰি পাৰিব এক্সিকুটিভ কৰি পাৰিব বট জুডিচিয়াৰী কৰি পাৰিব নেকি ত্লিয়াৰল আজিং দট জুডিচিয়াৰী কান নট লিমিট দ ফণ্ডামেণ্টেল ৰাইট থ্ৰো দা ডক্ট্ৰিন অফ কনষ্টিটিউচনা ম'ৰালিটি বট চেম কান বি ডন বাই এক্সিকুটিভ এণ্ড লেজিছলেচৰ অণ্ডাৰ দ্য নচন অফ পব্লিক ম'ৰালিট ষ্টেটেড ইন আৰ্টিকল টুৱেলভ

और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिंग एज टॉप डाउन आज व्हाई बेसिंग व्हाई बेसिंग बेसींगसीसन सोली ऑन पब्लिक मरालीट इज इल आडाइज तो आम खाली पब्लिक मरालीटी को प्रिफरेन्स दे कितने किसी डिशन नौचे से कौन इल आडाइज उपर काम कर आडाइजी कहीं ना अल द आईडिया अफ पब्लिक मरालीट सीम टू बी डेमोक्रेटिकली मोर स्वीटेड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल रईट limiting them solely on the basis of public morality is rife with subjectivity since every dispensation or government may have its own definition of public morality so can there be a balance constitutional morality may be applied by judiciary to assess the state actions which are substantially unreasonable or violative of the spirit of the constitution this will indirectly address the issues with usage of public morality by minimizing the possibility of unreasonable decision making हेल सिमल्टेनिययसली प्रोभाइंग ए स्पेस फर पब्लिक मरालीट टू नैचुराली इवल्व तो ये कौन कौन ना पब्लिक मरालीटी गपेस दरकार तो ताकट्यूशनल मरालीट सब यूज न कर जगह यूज कर सपोज गोटे आमर अथरीट सपोज आमर लोकाल अथरीटी से ठीक ठीक से कम कर बेस कर तो सबे मला जजमेंट तो पूरा प्राइटर निज़ा ये अच्छी तो सीटा

The conduct of the state and to identify the meets and bounds within, the, within which the state must operate. However, it cannot be used to emasculate the discretion and prerogative constitutional morality vested in the state to define public morality by virtue of it being an elected body. Tabre commitment to the ideals and aspirations of the constitution. The democratic values survive and become successful where people at large and person in charge of the institution are strictly guided by constitutional parameter without paving the path of deviancy and maintain institutional integrity and requisite constitutional restraint through their actions so in this direction अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड एम द कॉमन पब्लिक रिगार्डिंग द राइट एज वेल एज देयर रेस्पोनसिलिट और ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री आम देखा जिते बड़े भी किसी थोड़ा जहाँ भी प्रोब्लेम थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आडमिनिस्ट्रेसन सब रो बेसिक बा मेन सल्यूसन कौन ना आवेरनेस पब्लिक अवेयरनेस निति दरकार लास्ट ताम से तेनाली तुमकिन लिखापी ही पड़ोतापुर कंक्लूजन द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन नॉट बी डेनीड

constitutional morality significance Con it safeguards and upholds the enforcement of rule of law in the country. it promotes and re reinforces the democratic ideal of the nation. it brings a positive transformation in perception of social, societal or public morality. practically act as a equivalent to the basic structure doctrine. a step towards achieving constitutionalism. therefore, constitutional morality is concept is not defined anywhere. however, there are many different notions on the same.

एंड द आडमिस्ट्रेट कॉपरेसन टू सल्व दोज कन्फ्लीट आमिकेबली विदाउट इंडर्जिंग एनी मेजर कन्फ्रंट्रेसन और रिस्ट्रक्ट रिसोर्टिंग टू भाई रिवल्यूशन नाइनटीन फिफ्टी पर कौन है भेरियस लैंडमार्क जजमेन्ट दे कोर्ट मैंने सेसेप्ट द कंटेम्परारी इंटरप्रिटेशन अफ द कन्टिट्यूशन मरालीटी स्टेटिंग उथ जजमेंट गिभेन इन नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट अफ एनसी दिल्ली इन टू थाउजेंड टेन सो इन द प्रेजेंट इरा दिस डॉक्टर इन एसेंसी मीनस टू थिंग

आज कनसेप्ट मत लगुज तुम्हें बुझीप जो मैंने बुझीप कमेंट सेक्शन में मेनसन कर कौन तुम बुझिल कन्स्टिट्यूशनाल मरालीट तुम्हें जो क्वेश्चन आसो ये क्वेश्चन जो आसो तुम इजिली लिखिपार किसी तो किसी तो लिखिपारे ना ना तो यहीटा ही बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो यदि भल लगला ये भिडियो तो मैं मैंने वीडियो को शेयर करो जो थे सब्सक्रिप्शन बढ़ो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर